ऊपर से गुस्सा दिखाना हमें तो जाएंगे धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं। मूली के पत्ते किसको खाने का मन करता है यार। क्या देख रहे हैं ये पीछे वाला दिन। आप पहुंचेंगे एक कहां पैसे ना कौड़ी और चली घूमने। कंफ्यूज वाले नहीं होते। क्या हो रहा है मेरे साथ। बट मैं इतना किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि मेरे घर वाले थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं। राम राम भाई सारिया ने। बार बार एक ही चीज बोलना वेलकम बैक फिर से नहीं हो पा रहा। व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ आज और अभी मैं जस्ट ना के आई हूँ काफी टाइम बाद। इसके संग में ना पोटी लगी है पता नहीं। इस पोटी को हटाया कैसे जाए वो समझ नहीं आ रहा बिकॉज ये काटती है मतलब प्यार भी है तो जहाँ प्यार है वहाँ काटना भी है। अपनी ही टट्टी सर में लगाना और मेरे गुस्सा होना पहली फुर्सत में निकल। गुस्सा काहे हो रही है बेटा। हाँ टट्टी आपके सर में लगी है तो हमारी क्या गलती है इसमें। टट्टी थोड़ी ना ऊपर बैठती है ये नीचे। किसी और का टट्टी सर में लगाना ऊपर से गुस्सा दिखाना हमें तो टट्टी साफ करे। बट अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने और नाश्ते में है हमारी जो कि मैंने थोड़े बदलाव लाए हैं चेंजेस अपने नाश्ते में। आई वांट नाश्ता इसमें है अंडा दूध क्योंकि मेरी बॉडी शॉडी कम हो चुकी है। किसी को बताना मत सर बॉडी ऐसे बनती है बनाएगा नहीं कोई। यार पहले मेरे गाल है ना ऐसे थे मतलब अगर ब्लॉग्स आप देखोगे तो उसमें मेरे गाल कुछ इस तरह नजर आएंगे। धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं। इतनी मुश्किल से मैंने अपना वेट गेन किया था सब बेकार। आज मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी सिंस मैं नहा चुकी हूँ तो मैंने फिर सोचा कि आज ब्लॉग बना ही लेती हूँ और मैं इस ब्लॉग में क्या दिखाऊंगी। वैसे ज्यादातर ब्लॉग आपको मेरे घर की ही मिलेगी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है घूमने के लिए और मैं गरीब हूँ पैसे नहीं है और मैं अकेली हूँ दोस्त नहीं है मतलब दोस्त हैं तो अपने काम में बिजी रहते हैं तो कौन घूमेगा मेरे साथ अकेले। बट अकेले घूमना मुझे पसंद है बट अकेले घूमने के लिए चाहिए पैसे जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं। एक चीज करने की सोच रही थी मैं देखो अब यहाँ से वापिस एक रैंडम सा प्लान बनाया मैं और मेरी फ्रेंड मतलब मेरी फ्रेंड जो है मेरे घर के पास ही रहती है उसके घर जाने का। सो फाइनली मैं घर से बाहर निकल चुकी हूँ। जो फ्रेंड है वो मेरे को मेट्रो में मिलेगी तो मेट्रो तक मुझे खुद ही जाना पड़ेगा पास में ही है 5 मिनट का रास्ता है तो चलते हैं। तो मैं उसके घर क्यों जा रही हूँ मुझे भी नहीं पता बट उन्होंने एक नया फ्लैट लिया है तो अक्सर वो वहाँ पे जाया करती है। मैं घर पे वैसे भी बोर हो रही थी मैंने उसे कांटेक्ट किया था कि मतलब घर पे है या नहीं अगर घर पे होती तो मैं उसके ये वाले घर जाती बट उसने मेरे को बोला कि चल तू मेरे साथ और उसकी बहन का न्यू बॉर्न बेबी भी हुआ है उसको भी देख लूँगी। मैं तो पहुँच गई अपने आर के आश्रम पता नहीं पाए वेट करना पड़ेगा उसका। One eternity later. ये आ गई मेरे को लगा पता नहीं कहाँ है बहन। चल उठे उठे के चलना है एक्सीलेटर तो है ये दुल्हन बन के क्यों आ रही है ऐसे। तो आपको कैसा लग रहा है मुझ जैसी हसीना को मिल के। आप जैसी हसीना को देख के मुझे ना बहुत लग रहा है। शॉकिंग शॉकिंग सा लग रहा है मुझे। क्या हो रहा है ये आपकी हालत
हमें पता था कि आपकी हेल्थ खराब है, लेकिन इतनी ज़्यादा या हर चीज़ मेरी ढीली हो चुकी है। अब मैं क्रेविंग है मूली के पत्ते, किसको खाने का मन करता है यार? लवली खाते हैं मूली के पत्ते की सब्जी। क्या देख रहे हैं ये पीछे वाला? देख हाँ पहुँचेंगे एक अभी टाइम के अभी मंडी हाउस। लोग वीडियो बनाते तो लोग ऐसे घूमते हैं, ये समझ नहीं आता पीछे वाला। ये देखिए भगवान के घर, भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी सीट दी थी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सीट मिल गई। मतलब एक भैया ने हमें सीट दे दी। तो मैं क्या कह रही थी कि जब मैं घर से निकल रही थी ठीक है, तो मेरे पापा ने कहा पैसे ना कौड़ी और चली घूमने। गजब बेइज्जती है, इतनी बेइज्जती एक गरीब इंसान की, बेरोजगार होना भी पाप है लग रहा है। सह लेंगे, बहुत दुख है इस लड़की के जीवन में, कोई लड़का हो तो सुख की प्राप्ति। तो अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो चीजें कैसे एक्सप्लोर करेंगे, ब्लॉग कैसे बनाएंगे? जब ब्लॉगिंग करने का जिम्मा लिया है तो क्यों नहीं, वाई नॉट। तो ऐसी हूँ कि खुद भी अकेले भी बाहर निकल जाती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस जेब में 10-20 रुपये होने चाहिए, होने ही चाहिए, और मेट्रो कार्ड में भी होना चाहिए है ना। तो मेट्रो कार्ड दो जगह होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलो खाने का भी हम 10-20 रुपए में जुगाड़ कर ही देंगे, ठेले से खा लेंगे है ना, ये घर से पैक कर लेंगे। घर से भी कुछ पैक कर लेंगे, वाले हैं अमिता के घर। तो रिक्शा ले रहे हम, वैसे तो पास ही है ना। आज आपके घर मेहमान आए हैं। चलो मेरे ब्लॉग में बोलो हेलो, हेलो बोलो सबको। पता नहीं कब बोलेगी मेरे से। आ गए हम अमिता के घर, ये देखो चाय वाय पिलाओ बाबू। चम्मच देखे यार, कितना क्यूट है ये हमारी, ये जीजा जी चाय बनाते हुए। हाय कांग्रेचुलेशन, सो रहा है। अरे बस सोया है ना, मतलब माजी का बच्चा। हाय कितना क्यूट है यार, ले जाऊं उसे? चलो आ जाइयो ना, तो देखे जाऊंगी। ऐसे भी लेने आई है वासी। इसकी बहन बोलती ही नहीं मेरे से अब तो। फ्रॉक पहना है बेटू ने, इसका फ्रॉक था। अच्छा अच्छा पहनूंगा बेटा, फ्रॉक पहनूंगा। मिष्टी, हेलो, कोई है? आपके घर आए हैं, आपको पता ही नहीं। ये नाम बोलेगी यार, अभी छोटी है शायद, इसलिए नहीं बोलती ना। नोच
नोचने में लग जाता है? नोचने तो अभी तो मैंने गोदी किया था ना पूरा। इसके एक्सप्रेशन इसके कंफ्यूज वाले नहीं होते क्या हो रहा मेरे साथ? कंफ्यूज वाले एक्सप्रेशन दे रहे हैं तुम। अरे छोटू इसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा मेरे साथ? छोटू अभी चाय पार्टी, चाय पार्टी हुई है। जीजू लेके आए चाय, मेरे बैग में नमकीन होगा, लाना नमकीन दी। चाय पार्टी, चाय पार्टी चाहिए बाबू? बोलो नो, मैंने दूध पार्टी पी ली। काम हो रहा है ना यहाँ पे, ये कितने कितने सालों पहले बंद हो गया, अभी तक बंद हो गया क्योंकि इल्लीगल होगा बेबी। उधर भी जा सकते हैं, कबाड़ है। ओ यहाँ पर्सनल कबाड़ रख रखा है, कोई बनने वाला सामान जो मतलब समझ जाओ। तो है नीचे अच्छा सुंदर इंसान मीता के लिए। यार यहाँ पे लेकिन एंजॉय करेंगे हम अपनी लाइफ को, लेकिन मैं मत भाई। अरे केक क्लिक करते हैं, डांस करें, यहाँ व्लॉग बना सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पिकनिक खेल सकते हैं। इतना टाइम बाहर निकली हूँ शायद इस वजह से खुशी हो रही है मुझे, और मेरी मम्मी को बिल्कुल नहीं अंदाज़ा कि मैं अभी रात में भी यहीं रुकने वाली हूँ, बिकॉज यहाँ से मेरा घर काफ़ी दूर हो जाएगा अगर मैं आज जाऊँगी तो। अमिता ने बोला कि वो कल घर जाएगी एंड उसका घर मेरे घर के पास ही है जैसे कि, तो हम कल ही जाएंगे। मैं काफ़ी टाइम से घर पे फ्रस्ट्रेट फील कर रही थी, लाइक मैं चाह रही थी कि मैं घर से कहीं बाहर निकल जाऊं या कोई कहीं दिल्ली से बाहर तो नहीं निकल पाती क्योंकि उसके लिए चाहिए पैसे, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है पैसे। और तभी मेरे को अमिता का लाइक कॉल आया और मैं यहाँ पे हूँ उसके घर, मतलब ये दूसरा जहाँ पे वो पहले रह करती थी फरीदाबाद में। फिर मैं यहाँ पे आई और कुछ वक्त है ना अपने लाइक अपने लिए भी निकालना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि, तो क्या होता है ना घर पे मैं होती हूँ बट मैं इतना किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि मेरे घर वाले थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं और फिर मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाती, और फिर लाइक मेरे जो मन में है मेरे जो थॉट्स मेरे माइंड में चलते रहते हैं कि मैं कितना भी अपने आप को बिजी कर लूँ ना वो थॉट्स जाते ही नहीं हैं। तो मेरा क्या था कि मेरे को बाहर निकलना था जैसे भी करके, चाहे मैं अकेले निकलती कैसे भी निकल गए मेरे को बाहर निकलना था। फिर लाइक भगवान ने मेरी सुन ली, वो कहते हैं ना कि भगवान सबकी सुनता है, पता नहीं ऐसे ही हुआ मेरे साथ। और अमिता के अचानक ही मैंने उसे मैसेज किया, सबसे पहले मैंने उसे मैसेज किया कि लाइक तू फ्री है कहाँ पर है, तो तब उसने बोला कि मैं अपने जा रही हूँ फरीदाबाद। मैंने कहा ओके, तो उसके बाद लाइक 5-10 मिनट बाद उसने खुद ही पूछ लिया कि तू भी चल ऐसा करके, तो मैंने फिर पापा को बताया और मैं यहाँ पर हूँ अब फाइनली। और यस आई एम इंजॉइंग, मतलब एक खुला खुला फील हो रहा है, सही सा अच्छी सी हवा आ रही है। हवा तो अच्छी नहीं है दिल्ली की। तो आई मैं सनसेट देखने के लिए बट मेरे को कुछ और ही दिख रहा था, यहाँ पे मून दिख रहा था। तो कभी कभी है ना आपको अलोन फील लगता ही है, चाहे आप कितने भी अच्छा कर रहे हो लाइफ में बट आप खुश नहीं होते। एक वक्त ऐसा आता है कि आपको कोई चीज़ खुश नहीं कर रही होती, तो कुछ ऐसा ही वक्त चल रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा।
मिस्टी गाना बजाएगी और मैं गाना गाऊंगी। चलो हम ऐसे गाना आओ बंद करो हाथ जोड़ के मैं तगड़े सिंगर आ गए हैं। Laughing all the way, ha ha ha, bells and bobtails ring, making spirit bright, on her to ride and sing. Who let the dogs bark? Boo, 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 boo. ये डॉग का ये साउंड क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं। अलमारी के अंदर टॉयलेट। अलमारी नहीं है भाई, टॉयलेट आई है। उसके अंदर वॉश मशीन। Next morning. Good morning everyone and आज घर जाने का फाइनली समय आ चुका है और सुबह के बज रहे हैं 8, अभी हम निकलने वाले हैं घर की तरफ।